अगर आप हाई जंप कर रहे हैं, चाहे वो सीजर जंप टेक्निक हो या फॉसबरी फ्लॉप, आप बास्केटबॉल खेलते हैं या वॉलीबॉल, इन सब में टेक्निक और स्किल्स तो चाहिए ही, उसके साथ आपकी वर्टिकल जंप भी अच्छी होनी चाहिए और उसके लिए आपको करनी होगी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और प्लायोमेट्रिक्स। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा 3 बेसिक प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस की जो आपकी हाई जंप इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगी। मैं ये एक्सरसाइजेस 1 फीट की हर्डल्स पर कर रहा हूँ, आप चाहे तो बहुत कंफर्टेबली बिना हर्डल्स के भी ये कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस बताने से पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि ये प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस हैं, इसमें बहुत पावर चाहिए और पावर आती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से। तो ये एक्सरसाइजेस आप एटलीस्ट 4 से 6 वीक प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के बाद ही इनको ट्राई करें, ताकि आपका जो जॉइंट और मसल्स हैं वो अच्छी तरह इन एक्सरसाइजेस का डोल ले सके। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है डबल लेग हर्डल हॉप्स, ये आप आसानी से बिना हर्डल्स के भी कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज में जब जंप करेंगे तो ध्यान रखें कि आपके नी जितने कम बेंड हो उतना अच्छा, हैंड मूवमेंट आप पूरा करेंगे और लैंडिंग टोज पर होगी। और अगर ये एक्सरसाइजेस करते वक्त आपके नी या एंकल पर कुछ भी डिस्कम्फर्ट लगे तो उसको तुरंत रोक दें। दूसरी एक्सरसाइज है सिंगल लेग हर्डल हॉप, ये एक्सरसाइज भी डबल लेग की तरह ही होगी। ऑल्दो ये सिंगल लेग काफ़ी ईजी लगती है, बट इसको कंटिन्यू करना कम से कम नी को बेंड करके थोड़ा डिफ़िकल्ट है और आपको सिंगल लेग में काफ़ी स्ट्रेंथ चाहिए। लेकिन ये एक्सरसाइज सिंगल लेग जंप स्पोर्ट जैसे हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप के लिए काफ़ी असरदार और स्पेसिफिक है। इसमें आपके लेग पर काफ़ी प्रेशर पड़ेगा, तो कुछ भी डिस्कम्फर्ट हो तुरंत उसको रोक दें। तीसरी और आखिरी प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज है 2 स्टेप्स टेक ऑफ, और ये हाई जंपर्स के लिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है क्योंकि ये हाई जंप के लास्ट स्टेप से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करेंगे 2 स्टेप लेके और जंप करेंगे। जंप करते वक्त आपका नॉन टेक ऑफ लेग हवा में एक्सटेंड होगा और अपोजिट हैंड भी वैसा ही रहेगा हवा में। जैसे हाई जंप में टेक ऑफ करते वक्त आपकी पोजीशन बनती है, नी बेंड रहता है और आपका हैंड हवा में, वैसे ही आप हर जंप में ट्राई करेंगे ये पोजीशन बनाने की, और जितना ऊपर आप हर जंप में जा सकें उतना ट्राई कीजिए। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस आप ट्राई कीजिए, वीक में 2 बार कर सकते हैं और शुरू में 2 सेट से स्टार्ट कीजिए और हर 2 वीक बाद 1 सेट बढ़ाइए। आप मैक्सिमम 4 सेट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। अगली वीडियो में मैं कुछ और एडवांस एक्सरसाइजेस बताऊँगा, जब तक आप ये ट्राई करें और मुझे बताइए कि कैसा इफ़ेक्ट आता है इसका आपकी जंप पर। कुछ भी एक्सरसाइजेज में कन्फ्यूजन लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।